हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 भर्ती बहुत लंबा समय लगा, उसके बाद कुछ विसंगतियां ऐसी हो गई, वो भी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई, कुछ हमारे साथी मिठाइयां बंट गई, ज्वाइनिंग हो गई, रिश्ता भी हो गया, शादी ब्याह की तैयारियां होने लगी घर में कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, बच्चा ज्वाइन कर गया है, वर्दी पा गया है, फौजी हो गया है। एक महीना, देखिए यहाँ पर एक महीना लिखा है, लेकिन एक्चुअली कैंडिडेट जो है, ये जो कैंडिडेट का हम आपको केस दिखा रहे हैं, 1 महीना 12 दिन इनको ट्रेनिंग सेंटर में रखने के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देखिए, हम लोग जो अभी हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे देश में कोई कानून लागू होता है, ये कोई पुराने समय का आदम जमाने का कानून नहीं है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है, संविधान है, उसमें कुछ प्रावधान है कि क्या बंधुआ मजदूरी करवा सकते हो आप। बंधुआ मजदूरी जो है उसको तो, उस पर तो रोक लगाई गई है। ये पूरा मैटर जो है हमने डिस्कस किया, जो कानून जानने वाले लोग हैं, एडवोकेट हैं या फोर्स के रिटायर्ड अफसर हैं, उनसे हमने बात की, तो इसमें बहुत सारी पॉइंट जो है हमें जानने को मिले, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और देखिए, किसी के साथ भी ऐसा होता है, किसी साथी के साथ में कोई भी भाई बहन जो है जो सेंटर में जाके वापस आ गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उनके परिवार की मानसिक स्थिति क्या है, कितने तरह के सवालिया निशान जो है उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कि यहाँ तक कि ये भी आरोप लग जाते हैं कि इन्होंने धोखा देकर रिश्ता कर लिया, शादी ब्याह करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, ये तो सेलेक्ट ही नहीं हुए थे। ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए बहुत गलत प्रक्रिया है, इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि ऐसा किसी आगे किसी साथी के साथ में नहीं हो। देखिए, ये जो है, ये हमारे साथी जो हैं, इन्होंने पहले चैट किया था हमारे साथ में, ये पुराना चैट इनका है, 28 अप्रैल को इनका मैसेज आया था। पहला मैसेज है इनका कि मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एसएससी जीडी में सीआरपीएफ के लिए चुना गया था, 14 जनवरी 2021 को हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया था, और मैं 6 मार्च 2021 14 जनवरी नहीं है, एक्चुअली 14 फरवरी होगा, क्योंकि 14 फरवरी को तो आपका रिजल्ट ही नहीं आया था, ये लिखने में गलती हो गया। 6 मार्च 2021 को अमेठी में ज्वाइन किया। अब 6 मार्च 2021 को ज्वाइन कर लिया कि जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें क्या डेट लिखी हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं फोर्स नंबर, किट मिला, बायोडाटा सब कुछ लिया, उसके बाद 1 महीना 12 दिन बाद हमें वहाँ से बाहर कर दिया गया, बोला गया कि तुम्हारा फाइल भोपाल जाएगी चेक होने के लिए, उसके बाद तुम्हें बुला लिया जाएगा। आज हमें बाहर में 10 दिन हो गया है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं। देखिए, बड़ी दुविधा की स्थिति है ये, और इनकी मनोस्थिति जो है हम समझ सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी होता है तो एक कैंडिडेट जो है उसके लिए घर वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि किस तरीके से वो घर से अपने विदा होके आए थे और 1 महीना 12 दिन के बाद में वापस घर जाते हैं, क्या जवाब क्या देंगे घर में, क्या बताएंगे अपने पड़ोसियों को कि क्यों आ गया। मुझे फोर्स नंबर, किट मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, उसके बाद जो बायोडाटा ये था मेरा कंप्यूटर पर होल्ड कर दिया गया। रिप्लाई सर, बायोमेट्रिक मिस मैच वाले लड़के उत्तर प्रदेश के अमेठी में, 14 बॉयज़ और 3 गर्ल्स थी, फिंगर मिसमैच प्रॉब्लम था क्या? ये देखिए, हमारी तरफ से तुरंत जो है तुरंत रिप्लाई हमारे तरफ से आ जाएगा आपको। अब वो इन्होंने कहा कि यस, फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था, वो भी आपको दिखा बता दिया, फिंगर मिसमैच का इनका प्रॉब्लम था। एक बार इनका डीएमई के समय, और ये डीएमई में फिट हो गए थे। अब ये आज देखिए, इनका एक्चुअली आज जो कैंसलेशन लेटर है, उस समय इनको कुछ लिख के नहीं दिया गया, इनको डायरेक्ट घर जाने के लिए कहा गया कि आप घर चले जाइए, ना इनको कोई मैस बिल दिया गया, ना इनका जो इनसे कोई खाने का पैसा चार्ज किया था उसका कोई इनको हिसाब दिया गया, कोई बिल नहीं दिया गया इनको, इनको डायरेक्ट घर का रास्ता, कि आप, उस समय इनको कहा गया कि आप अभी घर चले जाइए, क्यों पिकनिक मनाने आए हैं जो घर चले जाइए, 1 महीना 12 दिन जो ये रहे हैं वहाँ पे उसका कौन हिसाब देगा। और वो एक महीना, चलिए अभी इनका ये जो नियुक्ति पत्र रद्द करने का जो प्रस्ताव जो दिया है, सिपाही जीडी 2018 के पद हेतु जारी नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द करने के संबंध में, कृपया इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव संख्या R26/2021 स्थापना 6 दिनांक 13/2/2021 का संदर्भ ग्रहण करें। अब इनका 13/2/2021 को लेटर इशू हुआ था, वो इनको मिल गया 15 को मिल गया है, और ये 6 मार्च को ज्वाइन कर लिए गए हैं। विशांकित के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपका सिपाही जीडी 2018 के पद पर जारी नियुक्ति प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये लेटर कब इशू हुआ है? ये लेटर हुआ है 20 अप्रैल को इशू हुआ है।
आपकी भर्ती से संबंधित मामले में फिंगरप्रिंट, बाएं हाथ के स्वयं का हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग एवं दस्तावेजों को विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से जांच करवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही मामले पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, जांच रिपोर्ट होने के बाद में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हम ये कैंडिडेट कहते हैं कि मैं बिल्कुल जेन्यून कैंडिडेट हूँ, मैं मान नहीं सकता कि मेरा फिंगर मैच नहीं हुआ। ठीक है, ये जेन्यून कैंडिडेट हैं। अब इनका फिंगर मैच हो जाता है, उसमें 2 महीना लग जाएगा, 2 महीने बाद इनका ज्वाइनिंग आता है, तो ये इनका जो 1 महीना 12 दिन ये फोर्स में रुके हैं, क्या उसका इनको वेतन मिलेगा? उसके बाद ये जो फोर्स की या किसी की भी गलती से कि इनको क्यों बुलाया पहले, उस दौरान ये घर पे रहे, अपने घर पे जो मेंटल टॉर्चर जो इन्होंने सहन किया है उसको कौन कंपेंसेट करेगा? क्या उसको कोई कंपेंसेट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो ये कैंडिडेट खुद जानता है कि क्या मानसिक स्थिति है इसकी, कि कितने लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आ गया, कैसे आ गया, भाग के आ गया, छोड़ के आ गया, अरे नहीं कर सकते, ये तो लायक ही नहीं है फौज के। कितने ही जो है ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, और एक कैंडिडेट जो है घर से बाहर निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी उसके जो परिजन है उनको हो जाती है, जो छोटे भाई बहन है उनको परेशानी हो जाती है। ये आज उनका लेटर रिसीव हो गया। अब देखिए, जो ज्वाइनिंग है, नियुक्ति प्रस्ताव, वो भी जब हमने ये मैटर डिस्कस किया कि ये जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं उसके बाद वेतन किस दिन से मिलना चाहिए, तो वेतन तो उसी दिन से मिलना चाहिए जिस दिन आप सेंटर में रिपोर्ट कर देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन आपकी हो गई उस दिन से आपको वेतन मिलना चाहिए, वो आपका हक बनता है। फोकट में कोई भी काम नहीं करवा सकता। आप वहाँ गए हैं तो उसके बाद आपको वर्किंग भी लगाया है, आपसे चूना, गेरू, पेड़ों की कटाई, रंगाई, छंगाई, साफ सफाई सब कुछ आपसे करवाया, आपको वहाँ पर एक पल के लिए भी आराम नहीं करने दिया, तो वो फोकट में करवाया CRPF ने या BSF या SSB जो भी है, क्यों? अब इसको देखिए, हम देखते हैं कि नियुक्ति प्रस्ताव जो है उसकी शर्तें क्या है। तो नियुक्ति प्रस्ताव की जो शर्तें हैं, पहली शर्तें देखिए, पहली शर्त क्या है आपकी नियुक्ति की, शर्त निम्न प्रकार होंगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस नियमावली 1955 एवं केंद्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियम 1965 में निहित प्रावधानों के अनुसार सेवा की निर्धारित परिवीक्षा अवधि के दौरान नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए 1 माह का नोटिस देकर आपकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। बिना कोई कारण बताए, यानी कि ये जो है इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। आपके नियोक्ता द्वारा आपको दी गई प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की सेवा पूरी होने तक की अवधि के दौरान आपके द्वारा उचित एवं पर्याप्त कारणों से प्रस्तुत किए सेवा से त्यागपत्र स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि कार्यभार सुपुर्दगी से आपको बल में प्रदान किए गए प्रशिक्षण पर कुल खर्च अथवा 3 माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि में से जो भी अधिक हो आपको सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। ये दूसरी शर्त है कि आप यदि सेवा से त्यागपत्र देते हैं 10 वर्ष से पहले, तो आपको 3 महीने का वेतन या ट्रेनिंग चार्ज। तो देखिए, यदि आपकी ट्रेनिंग नहीं शुरू होती है तो वो 3 महीने का वेतन ज़्यादा होता है, और यदि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था कि क्या 10 लाख रुपए वो हो जाता है उनको, कहीं वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर लोग थे उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेनिंग करके छोड़ के जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 10 लाख देना पड़ेगा। और वो इंस्ट्रक्टर लोग जो हैं उनसे भी हम ये वीडियो के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि वो ये कैंडिडेट का मोरल बूस्ट करने के लिए हैं वहाँ पे, इनका मोरल डाउन करने के लिए नहीं है। ये बच्चे अपने घरों से गए हैं, किसी का मन नहीं लगता, कोई अपनी फैमिली को छोड़ के आया है, कोई पहली बार घर से बाहर गया है, किसी ने अपनी माँ के खाने के अलावा कभी दूसरा खाना नहीं खाया, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए वो इंस्ट्रक्टर लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वो मिसगाइड करते हैं। आपको संपूर्ण भारत में कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर भारत से बाहर भी सेवा के लिए भेजा जा सकता है, बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा CRPF जो एक्ट रूल है वो आपके ऊपर लागू होंगे और आपको इनका पालन करना होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट के भी आप हकदार हो जाते हैं। सेवा में आने के बाद आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अब देखिए, सेवा में आने के बाद का मतलब क्या है? ये है कि जिस दिन आप ग्रुप सेंटर में ज्वाइन कर लेते हैं, अब ठीक है, CRPF तो ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करवाती है, BSF तो डायरेक्ट ही ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करवाती है। यदि आप सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है।
ट्रेनिंग आपको पूरी करनी होगी। अब यहाँ पर चय जो है वो आप देखिए कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पूर्व किसी भी अपेक्षित परीक्षण जांच के दौरान यदि आपको किसी भी प्रकार अनुपयुक्त पाया जाता है तो आपको गृहनगर से ड्यूटी ज्वाइन करने के स्थान तक आने एवं वापसी यात्रा के खर्च के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। ये लिख देने मात्र से ही विभाग की जिम्मेदारी नहीं हट जाती है। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ठीक है आपने ज्वाइन करवा लिया, उसके बाद आप मेडिकल कब कर रहे हैं? आप मेडिकल 15 दिन बाद में मेडिकल कर रहे हैं, 20 दिन बाद कर रहे हैं, आप उसके बाद कैंडिडेट को अनफिट करके एक महीना बाद अनफिट करके आप आउट कर रहे हैं, तो वो एक महीने का कौन जिम्मेदार होगा? यदि आप और अभी कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनको ना ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया ना उनको कंपोजिट अस्पताल में भेजा गया, उनको बिठा के रखा है और उनसे कोई काम भी नहीं करवाया जा रहा, वो बैठे हैं, वो खाना खाते हैं, सो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो। नियुक्ति के बाद आपको 2 साल के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। यदि आप परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करते हैं तो नियमानुसार आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, परिवीक्षा भी हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या है वो पढ़ देते हैं आपको कि आपको प्रस्तावित पद ग्रहण करने पर आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाएंगे, उसमें कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। यदि आप इस नियुक्ति के प्रस्ताव के पैरा 2 में दी गई निर्धारित तिथि तक ड्यूटी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको भेजा गया नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। स्वतः निरस्त नहीं माना जा सकता, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनको दूसरा तीसरा रिमाइंडर भी देना पड़ेगा, जो रिमाइंडर जो है वो पीछे आते रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये कहा गया कि यदि आप नियुक्ति प्रस्ताव की उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करते हैं तो आप निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ दिनांक 15 मार्च 2021 तक ऑन और बिफोर या इससे पहले पुलिस उप महानिरीक्षक। अब एक कैंडिडेट जो है वो तो 1 मार्च को ही आ जाते हैं और एक 15 को आते हैं। अब जो एक को आ गया क्या उसको 15 दिन का वेतन नहीं मिलेगा? नियम तो ये कहता है कि 15 दिन का वेतन उसको मिलेगा, क्योंकि जिस दिन से वो CRPF की के सेंटर में ज्वाइन कर गए उस दिन से वो CRPF के कर्मचारी हो जाते हैं, तो वो 15 दिन उसके कैसे जस्टिफाई किए जाएंगे? सपोज कीजिए कि कोई कैंडिडेट जो है वो 1 तारीख को ज्वाइन किया, उसको साहब वो 5 तारीख को 5 दिन बाद में 3 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको CRPF कैसे जस्टिफाई करेगी? क्या CRPF ये कह देगी कि ये हमारा कर्मचारी नहीं है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि 15 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का उनको वेतन क्यों नहीं मिलेगा? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपका मेडिकल होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग माना जाएगा? जो पीछे लिखा है वो क्या लिखा है वो फिर बता देते हैं कि ज्वाइनिंग होने से पहले, तो ज्वाइनिंग सेवा में ड्यूटी ज्वाइन करने से पूर्व, तो ड्यूटी ज्वाइन करने से पूर्व, तो ड्यूटी ज्वाइन करना किस डेट से माना है आपने? तो आपका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि आप 15 तारीख को आप ड्यूटी ज्वाइन करवा रहे हैं तो 15 से पहले या कोई एक को आ रहा है, 5 को आ रहा है, या आप सबको ही ये कह दीजिए कि आप सभी 15 को आ जाइए। आप ऑन और बिफोर क्यों लिख रहे हैं इसमें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो 1 तारीख को आ गया उसको 15 दिन का वेतन क्यों नहीं मिलेगा? और जो इस साथी के साथ हुआ है इसके जैसे और भी हैं बहुत सारे, जिनको वहाँ पर 1 महीना 12 दिन, 1 महीना 15 दिन या 1 महीना जिनको वहाँ रख के आउट कर दिया। आप सपोज़ कीजिए कि इनका जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो इनके खिलाफ़ आ जाता है तो देखिए इनका ये 1 महीना 12 दिन का जो है, इस दौरान इन्होंने वहाँ वर्किंग भी की है, वहाँ घास भी काटा है, वहाँ सफाई भी किया, सब कुछ किया है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और यदि इनके पक्ष में आ जाता है, इनके फेवर में आ जाता है, इनका ज्वाइनिंग होता है वापस, जुलाई में ज्वाइनिंग होता है, तो इनका 1 महीना 12 दिन का क्या होगा? और इस दौरान इनको घर पे जो मेंटल टॉर्चर सहन करना पड़ा उसका क्या होगा? अब इनका जो सीनियोरिटी है वो कब से काउंट होगी? क्या इनको फोर्स नंबर मिल गया था तो सीनियोरिटी जो है उसी समय से काउंट होगी, या इनका 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में जब ज्वाइनिंग होगा उसके बाद से इनकी सीनियोरिटी काउंट होगी? तो ये हमारे कांस्टेबल लेवल के ही नहीं, हमारे इवन सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर लेवल के जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उनको भी ये सब कानूनी खामियाँ जो होती है उसका पता नहीं होता है, और वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन नियम जो है वो ये कहता है कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस दिन से आपको सैलरी मिलेगी। अब आप 1 तारीख को ज्वाइन करते हैं और CRPF नॉमिनल रोल में आपकी ज्वाइनिंग के 15 से फिल करवाती है, तो ये 15 दिन का हिसाब कहाँ है?
ये इसलिए हम आपको देखिए बताने जा रहे हैं कि इसका जब आप 15 दिन जो है वो अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 20 साल 30 साल 35 साल की नौकरी करते हैं उस समय वो 15 दिन का फ़र्क जो है वो बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है वो। तो अन्याय के खिलाफ लड़ना है, ये जो साथी हैं इनके प्रति हमारी सहानुभूति है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इनका फिंगर मैच हो और जल्द से जल्द हो, सेंट्रल फॉरेंसिक में भी जल्दी कार्रवाई हो ताकि इनको अपनी वर्दी मिल सके और जो मेंटल टॉर्चर ये अभी झेल रहे हैं उससे ये बच सकें। और यदि आपके साथ भी ऐसा कोई नाइंसाफ़ी इनजस्टिस हुआ है तो आप भी उसके लिए फ़ाइट कीजिए। अब ये कैंडिडेट कहते हैं कि मैं अभी हाईकोर्ट रिट याचिका दाखिल करने जा रहा हूँ। देखिए अभी हाईकोर्ट रिट याचिका दाखिल करने से यहाँ पर रिलीफ नहीं मिल सकेगा। हाईकोर्ट रिट याचिका आपको कब दाखिल करनी है, उस समय करनी है आपको जब आपका वापस मैच होके ज्वाइनिंग आ जाता है, उस समय करनी है। और ये जो एक महीने का 12 दिन का जो आपका था, इस वेतन के लिए आपको फ़ाइट करना है, इस सीनियोरिटी के लिए आपको फ़ाइट करना होगा। वरना तो आपकी सीनियोरिटी भी हो सकता है कि जब आपकी दोबारा ज्वाइनिंग होगी उस समय होगी। तो अभी उस रिट याचिका के लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वेट कीजिए, फिंगर मिसमैच का वेट कीजिए। सकारात्मक सोचिए कि अच्छा होगा, मैं जेन्यून कैंडिडेट हूं तो मेरा गलत रिपोर्ट क्यों होगा। और यदि कोई फ्रॉड है, किसी ने किसी प्रकार के गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके यदि भर्ती होने की कोशिश की और सेंटर तक पहुँच गया तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल फॉरेंसिक में आपके बाल की खाल निकाल दी जाएगी। आपका यदि सिग्नेचर, आपका जो अंगूठा या फिंगर या जो भी मिसमैच है वो सब वहाँ दूध का दूध पानी हो जाएगा। इसलिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जेन्यून कैंडिडेट हैं तो 100% आपका ज्वाइनिंग होगा और फ्रॉड है तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। अब जिनका ज्वाइनिंग नहीं होगा उसकी वजह से वैकेंसी खाली रह जाती है, उसका क्या होगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।